गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज के इस लेसन में हम लोग प्ले करने वाले हैं बिग बॉस एंथम 17। तो बिग बॉस 17 की जो एंथम है वो हम इस पर प्ले करने वाले हैं। बट मैं इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आप सभी प्लेयर्स को, क्योंकि गाइस देखिए, अगर आप लोग आए हैं नोटेशन बेस सीखने के लिए तो आप गलत हैं, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को नोटेशन बेस नहीं बताऊंगा, नोटेशन नहीं देने वाला, क्योंकि यार देखो ऐसा है ना, अगर आप नोटेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें आपका ड्रॉबैक है, उसमें आपका नुकसान है, ठीक है, वो आपका एडवांटेज नहीं रहेगा। तो आप मुझसे मेरे पास आने चल पाए तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि नोटेशन के बेस आपको नहीं सीखना है। बॉस एंथम जो है 17 की, वो आपने सुनी भी होगी। तो उसकी कुछ पहली लेयर कुछ ऐसी है, पहली लाइन जो है वो कुछ ऐसी है, बदल गए हैं दिन बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। तो गाइस शायद कुछ इस तरीके के, देखिए मुझे पूरा अच्छे तरीके से नहीं पता वो आखिर क्या है, बट हाँ आप लोगों को ना लैब पर, और जो इसकी जो नोटेशन है उस पर नहीं जाना है, लैब पर जाना है और इसके सुर पर जाना है, मेन चीज़, ठीक है ना। कैसे चल रही है वॉइस, अप डाउन कब हो रही है, ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बजाने वाले हैं। अगर आप लोग प्लीज़ मेरी वॉइस को लेकर वो ना करें, क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहें कैसे आपको बजाना है। तो पहली लाइन मैंने आपको बता दी, क्या दी, बदल गए हैं दिन बदल गए जज्बात, देखो बदल गए हैं दिन बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप, ठीक है, बदल गए हैं दिन बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। के बाद जो गाइस सेकंड लाइन है वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सेकंड लाइन देखिए मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता वो सेकंड लाइन क्या थी, बट कुछ ऐसी थी इसकी जो सेकंड लाइन थी, बायस हो गए हो फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस आप वो रहे नहीं पहले जो थे आप, ठीक है, क्या थी, बायस हो गए हो। तो हम ये कहां से प्ले करने वाले हैं, देखो पहले मैं देख लेता हूं कहां से प्ले करें। हाँ तो हम यहाँ से प्ले करेंगे, ठीक है ना, बायस्ड हो गए हो फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस अब वो रहे नहीं पहले जो थे आप। तो ठीक है, बस मैं आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए गाकर बता रहा हूँ, क्योंकि आप बजाते वक्त कोई प्रॉब्लम दिक्कत फेस ना करें, ठीक है। बायस्ड हो गए हो फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस अब वो रहे नहीं पहले पहले जो थे आप, ठीक है, कैसे, बायस्ड हो गए हो फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस आप वो रहे नहीं पहले जो थे आप, पहले जो थे आप। देखो यार मैं वॉइस के लिए मैं गाकर आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता पा रहा हूँ, जिससे सिर्फ आपको समझ आए, ठीक है, वैसे और कुछ गाने का मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसकी सेकंड लेयर थी, और इसकी जो थर्ड लेयर है आई थिंक वो लास्ट वाली है, क्योंकि उसके बाद जो मैं आपको थर्ड लेयर बता रहा हूँ ना, उसके बाद कोई भी स्पेसिफिकली लेयर नहीं है। उसके बाद क्या है, जितनी भी लाइन्स हैं वो ऐसी कंबाइंड होकर आएंगी और वो चलती जाएंगी, ठीक है। तो थर्ड वाली क्या है, थर्ड वाली मैं याद कर लेता हूँ कौन सी। तो गाइस थर्ड वाली मुझे पता चल चुकी है वो क्या है, मैंने भी गूगल पर जाकर देखा, वो थी कुछ ऐसी, वादा है दिल से दिमाग से खेलेंगे, दम लगा के इतिहास बदल देंगे, कुछ ऐसी है। तो मेरे नोट्स कुछ ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, वो मैं इस पर जाकर मेंटेन कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कैसे कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम थर्ड वाली लेयर। तो चलते हैं अपनी थर्ड वाली लेयर की तरफ। तो गाइस यहाँ से हम लोग बजाएंगे, ठीक है, वादा है दिल से, वादा है दिल से दिमाग से खेलेंगे, दम लगा के इतिहास बदल देंगे, यही है ना, दम लगा कर इतिहास बदल, दम लगा के ऐसे दम लगा के इतिहास बदल देंगे, ये ऐसे है, जो उसकी करेक्ट जो करेक्ट ट्यून है वो कुछ ऐसे ही है जितना मुझे समझ में आया, ठीक है, दम लगा के इतिहास बदल देंगे, ठीक है, फिर से बजाते हैं, वादा है दिल से दिमाग से खेलेंगे, दम लगा के इतिहास बदल देंगे,
फिर से बताता हूँ, इतिहास बदल देंगे। ठीक है, एक ऐसे ही है, फिर से मैं आपको इसे पूरा बजा देता हूँ इसी लाइन को, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसे हम बजाएंगे, और इसके बाद आने वाली जितनी भी लाइंस हैं, जो भी लिरिक्स हैं, वो कंबाइंड होंगी या फिर कंबाइंड भी नहीं होंगी, तो वो यही बजेंगी बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली वही बजेगा। तो गाइज़, मैं आप लोगों से इस लेसन के बाद ये होप कर सकता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, इफ़ यू वॉन्ट टू सी न्यू वीडियोज़, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच न्यू वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। तो गाइज़, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे। तो फटाफट से फटाफट आप लोग जाइए और प्लीज़ हमारे एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को रियली ऐसे लेसन्स चाहिए तो। और देखो यार, मेरा कुछ और मोटिव नहीं है, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप करिए, वरना एज ओ विश, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।